यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारवन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देवाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वत उपनिषद के प्रथम अध्याय के का पाठ कर रहे हैं। आप लोग जो इसको नियमित रूप से सुन रहे हैं वे जानते हैं कि हम लोग चलते चलते ओंकार उपासना के विषय पर आ गए। मैंने पिछली बार आपको बताया था, हमने 13वें 14वें इन दो श्लोकों का पाठ किया था। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार वह्नेर यथा योनिगतस्य मूर्ति ही न दृश्यते नैव च लिंगनाशः। वह्नि यानी आग लकड़ी में रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका नाश नहीं होता है वहां पर। सब भूय एव इंधन योनि गृह, लेकिन उसके अंदर जब आप आग लगा दें, ईंधन डालें, तो उससे वो निकल जाती है। तद उभयम वै प्रणवेन देहे, उसी प्रकार से इस देह से, इस देह में भी आत्मा है और वो कैसे निकलेगा? प्रणव के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से। इस बात को अगले श्लोक में और स्पष्ट करके बताया गया। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्। ये यहां पर ओंकार उपासना की बात, ध्यान की बात कही गई है। क्या कहा गया है? पहले जमाने में मैंने पिछली बार बताया था कि आजकल हम माचिस लेते हैं, माचिस लिया, एक नीचे माचिस है, एक चीज है, उसके ऊपर हमने एक दूसरी माचिस से घिस दिया, कहीं दिख तो नहीं रही है आग, लेकिन उसमें से आग निकल गई। पहले जमाने में हवन के लिए लकड़ी होती थी, एक लकड़ी ऊपर होती थी और ऊपर उसके दूसरी लकड़ी होती थी, एक छेद जैसा होता था और उस पर उसको जोर जोर से हिलाया जाता था। जोर से घिसने से वहाँ पर स्पार्क होता था, एक चिंगारी निकलती थी, वहाँ पर कुछ कुशादी घास रख दिया जाता था, वो जल जाता था, उस अग्नि को लेकर हवन की अग्नि जलाई जाती थी, यज्ञ की अग्नि, ये पवित्र माना जाता था। तो उसमें एक नीचे वाली अरणी लकड़ी होती है, उसको बोलते हैं अरणी, दूसरी ऊपर होती है अधर अरणी, नीचे वाली अरणी, और उत्तर ऊपर वाली अरणी, अरणी यानी लकड़ी। तो अधर अरणी और उत्तर अरणी
ये दो के घिसना पड़ेगा, निर्मथन मथन के द्वारा क्या कहते हैं, अग्नि जिस प्रकार निकलती है उसी प्रकार से परमात्मा का आत्मा का स्वरूप जाना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, इसके आगे भी वो बात कही जाएगी 15वें मंत्र में भी, और उसके बाद उसका संहार होगा। तो इसमें कहा गया 14वें मंत्र में, स्वदेहम अरणिम कृत्वा, हमारी यह देह जो है शरीर है इसको एक लकड़ी बनाओ, अधर अरणि नीचे वाली अरणि, ये देह को बनाओ। देह में अग्नि कहां छिपी हुई है, हृदय में। हम लोग बोलते हैं ना हृदय में भगवान का ध्यान करना, हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। आत्मा अंगुष्ठ के तरह से छोटा सा, मानो एक ज्योति की तरह यहां पर स्थित है। यह बात कई जगह उपनिषदों में आई है और हम भी कहते हैं कि ध्यान करना हृदय में, एक ज्योति का ध्यान कीजिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हृदय में, हृदय जो है वह भगवान का बहुत अच्छा स्थान है, जिसे कहते हैं डंका मारा स्थान, यानी बेस्ट प्लेस। भगवान यदि कहाँ रहते हैं, जैसे एक जमींदार है तो जमींदार सारा जमींदारी उसकी है, लेकिन कहाँ रहता है, एक महल में रहता है। महल में भी कहाँ रहता है, एक पर्टिकुलर कमरा है, एक विशेष कमरा है, वहाँ हमेशा रहता है, उसका प्रिय कमरा है। भगवान तो सर्वव्यापी, लेकिन कहाँ मान लो, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक खाना, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल, जहाँ पे जमींदार रहता है भगवान रूपी जमींदार, और ड्राइंग हॉल जो है भक्तों का बैठक का, वो भक्तों का हृदय जो है उसमें रहता है। तो इस हृदय की चर्चा कई बार हम उपनिषदों में सर्वत्र पढ़ते हैं, हम समझते भी हैं। अब हृदय के ऊपर विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे। हृदय यानी वो एनाटॉमिकल हार्ट नहीं, हमारा जो हार्ट जो खून फेंकता है वो तो बाईं तरफ रहता है, नहीं। जहाँ पर हमको दुख होता है, कष्ट होता है, सुख का अनुभव होता है, कभी आनंद हुआ तो हमारे हृदय में होता है, उसको कहते हैं हृदय। और ये हृदय भगवान यहाँ पर विद्यमान है, आत्मा परमात्मा यहाँ पर विद्यमान, वो छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। इसके पहले कहा था न दृश्यते, न दृश्यते, दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि पड़ी हुई है दिखाई नहीं देती, वैसे ही परमात्मा हृदय रूपी लकड़ी में पड़े हुए हैं, वे दिखाई नहीं देते। तो इसको लकड़ी बनाओ, और ऊपर की अग्नि लकड़ी क्या हो, प्रणव ओंकार, उत्तर अरण ऊपर वाली अरणी। और कैसे करोगे, ध्यान निर्मथन अभ्यास, ध्यान रूपी मथन घिसना है, उसके अभ्यास के द्वारा निगूढ़वत, अंदर जो छिपा हुआ आत्मा है, निगूढ़ छिपा हुआ अंदर, जिसे कहते हैं कभी गुफा में, हृदय गुफा में स्थित है परमात्मा, ऐसा कई बार आता है। हमारे ये पंच कोशों के भीतर छिपा हुआ है, बुद्धि रूपी गुफा में छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्यों, होते हुए भी, अंतरतम होते हुए भी परमात्मा हमारा सबसे निकट होते हुए भी पहचानने में आता, समझ में नहीं आता, छिपा हुआ है, इसलिए निगूढ़वत ऐसा कहा गया। और जिन लोगों ने जान लिया उनके लिए कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे हाथ में फल, हाथ में फूल, स्पष्ट, इट इज सो क्लोज। माँ शारदा के एक शिष्य थे स्वामी जगदानंद जी, आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, यहाँ पर है स्वामी शारदानंद जी की लिखी पुस्तक, उसका अनुवाद किया है जगदानंद जी ने। उस पुस्तक का नाम है श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर। तो उस किताब का ट्रांसलेशन जगदानंद जी ने किया है,
जगदानंद जी कहते हैं कि माँ की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान हस्ता मलकवत हुआ है। तो तुम इतना नहीं समझते, अरे देखो क्या हम सिर्फ शरीर है क्या, हम शरीर थोड़ा विचार करो, शरीर है क्या? नहीं, शरीर तो हमारा है ना, वो तो ऑब्जेक्ट है, मन भी ऑब्जेक्ट है। वो कहेंगे देखो फिर क्या है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। अब ये जब शरीर मन से सब हटा दिया तो ये आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गया। देखो इतना सरल है, उनके लिए इतना सरल है जितना हमारे लिए कि फूल। लेकिन अभी हम लोगों के लिए निगूढ़वत छिपा। अब निकालने के लिए कहते हैं स्वदेहम अरणिम कृत्वा, इस स्वदेह को एक ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब हृदय, हृदय में ओंकार का ध्यान करना, सीधी बात कहने का। लेकिन उसमें तीन बातें कही, ध्यान, निर्मथन, अभ्यास। और मैंने पिछली बार और कहा था, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर एक और बात कही गई है, कहा गया है वहां पर प्रणवो ही धनु शरो आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्य तत् शर तन्मयो भवेत। ये भी उपनिषद मुंडक उपनिषद में आता है। कहते हैं क्या कहते हैं, प्रणव जो है, ओंकार जो है, वह धनुष, वह मीन्स, वह उपाय। ये ओंकार क्या है आज हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। ओंकार क्या है, एक प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। मैंने पिछली बार बात में विस्तार से कही थी, दो तीन बातें कही थी। एक कहा था, कुछ कहते हैं कि ये परमा ओम जो है वो परमात्मा एक है। श्री राम कृष्ण के पास एक आए थे, साधु आए थे, उन्होंने कहा था, वो मैंने सारी बात घटना आपको, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं, मैंने सारी घटना का विस्तार से बताया था कि श्री राम कृष्ण वहाँ बेलघरिया कहीं जा रहे थे, काकुरगाछी जा रहे थे, रास्ते में देखा एक साधु बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण उतर गए और चले गए दौड़ के साधु के पास, मानो कृपा करने के। और कहा कि कहिए जी आप कौन से हैं, कहाँ के हैं। उसे कहा आप आइए दक्षिणेश्वर में आइए, श्री राम कृष्ण को अगर कोई साधु पसंद आ जाए, यानी समझ लीजिए उसके भाग्य खुल गए और वो सचमुच एक उच्च कोटि का साधु आए। उसके बाद फिर कहा कि बैठे बातचीत की कि अच्छा बोलिए आपका क्या मत है। तो उन्होंने कहा कि ओंकार ही सब कुछ। तो श्री राम कृष्ण ने कहा कि ओंकार का कोई प्रतिपाद्य तो होगा, ओम तो एक शब्द है, शब्द का एक प्रतिपाद्य को होना चाहिए। तस्य वाचक है प्रणव, ओम जो है वो तो ब्रह्म का वाचक है। जिस प्रकार एक नाम के द्वारा आप, मेरा नाम लग दिया ब्रह्मेशानंद, क्यों, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं जाऊंगा, ट्रेन में जा रहा हूं या प्लेन में जा रहा हूं, पासपोर्ट में एक नाम चाहिए, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये क्या हुआ, ये तो क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है, एक नाम है जिससे एक व्यक्ति को बताया जाता है। ओम तो ऐसा नाम है, एक भगवान, भगवान का नाम हम सब जानते हैं। वो कहते हैं नहीं, ओम ही ब्रह्म है। श्री राम कृष्ण का ओहो, इनका मत ऋषियों का मत है। ऋषियों का मत था ओम और ब्रह्म एक ही हैं, दोनों भिन्न नहीं हैं। और तीसरा मत मैंने पिछली बार बताया था, जिसमें कहते हैं कि जो ओम है या भगवान का जो नाम है वो नाम से भी बड़ा है। और मैंने कल पिछली बार दृष्टांत दिया था कि भगवान राम को तो समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाना पड़ा, और हनुमान जी भगवान के नाम से फटाक से पार हो गए। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जो है वो नाम से। और जब भगवान श्री कृष्ण को तोल रहे थे, एक तरफ श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उस तरफ बहुत सारे धन दौलत सब कुछ रख रहे थे, हीरा सोना जवाहरात सब रख रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान भारी थे। रुक्मणी जी एक तुलसी के ऊपर श्री कृष्ण का नाम रख के जो रख दिया तो भगवान हल्के हो गए। लेकिन मतलब क्या, जो नाम है भगवान का वो भगवान से भी भारी।
तो ये दृष्टि वो विभिन्न दृष्टिकोण हुए। एक दृष्टिकोण के अनुसार प्रणव धनु वो उपाय है, उपाय के द्वारा। उपनिषद का यही दृष्टिकोण यहाँ पर भी कहते हैं कि प्रणव जो है एक प्रकार का उपाय है, उसकी साधना के द्वारा हमारे भीतर की जो आत्मा है वो प्रकट होगी। अब उसके लिए क्या करना है, वहां पर कहा अप्रमत्तेन वेधव्यः, प्रमाद रहित होकर पूरी एकाग्रता के साथ कहीं भी ढील नहीं करना। याद रखिए लक्ष्य मार्क लगाना है तो वो बिल्कुल प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्षण भर का भी एकाग्रता नहीं छूटनी चाहिए। आजकल तो कंपटीशन होता है ना, अपने ओलंपिक वगैरह के अंदर शूटिंग वगैरह का कॉम्पिटिशन होता है, कितना होता है। सपोज 10,000 मार्क हैं तो वो एक एक दो दो मार्क के लिए फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज चली जाती है, तो आदमी को कितना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप दृष्टांत ले लीजिए अर्जुन का, तो अर्जुन को जब सब लोगों ने द्रोणाचार्य ने कहा कि धनुष वो लगाओ एक चिड़िया के ऊपर उसको आँख में लगाओ, तो केवल अर्जुन कर सके, वो बिना प्रमाद के 100% कॉन्सेंट्रेशन, पूरा एकाग्रता होगा तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बिना नहीं कर सकते। तो अप्रमाद पहली बात, दूसरी क्या है ध्यान एकाग्रता, तीसरी अभ्यास, एकाग्रता का ध्यान अभ्यास। अभ्यास यानी रेगुलरली नियमित रूप से बार बार करना। पातंजल योग सूत्र जिन लोगों ने आपने सुना वो जानते हैं, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सोविति सेवितो अभ्यास दृढ़ भूमि, उसी चीज का तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मन को एक स्थान पर लगाए रखने का प्रयत्न बार बार करते रहने को अभ्यास कहते हैं। और वो लंबे समय तक करना पड़ा था, कभी व्यवधान नहीं होना चाहिए, और सत्कार यानी एकाग्रता और पूरी लगन के साथ करना चाहिए, ये सब बताते हैं। तो वो अभ्यास की कंडीशन हो गई। दूसरा बोला ध्यान, अब ये ध्यान पे भी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन पहले ये प्रणव के बारे में समझ लें, प्रणव उपासना। अब ये प्रणव या ओंकार की उपासना वैदिक दृष्टि से एक प्रकार की है और योग की दृष्टि से दूसरे प्रकार की। पातंजल योग सूत्र में जो सूत्र आया था उसमें कहा था ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध होता है, और फिर कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक है प्रणव ओम। फिर कहते हैं तद जप तद अर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। वहां पर पद्धति भिन्न है, वहां जप की बात कही ध्यान की बात नहीं कही, लेकिन जिस जप की बात और जिस प्रकार के जप की बात कही गई है वह ध्यान जैसा ही है। याद रखिए जप लीड्स टू मेडिटेशन। हम आपको जो बार बार कहते हैं भगवान के नाम का जप करो जप करो, इसके पीछे भाव यह है कि धीरे धीरे ये जप आपको इट विल लीड टू मेडिटेशन। और कैसे, एक लकीर है, एक बोर्ड तो नहीं है लेकिन एक चौक से लेकर अगर आपके सामने बोर्ड है, मैं एक निशान डॉट लगाऊं टक 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 टक, एक लाइन में मैं टक 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 एक टक डॉट लगा रहा हूं, डॉटेड लाइन, समझिए ना, आप समझते ना डॉट यानी एक 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 बिंदी 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बदल लगाए। तो जब क्या है, भगवान का नाम ओम, फिर ब्रेक, फिर ओम, फिर एक ब्रेक हो गया, फिर ओम, एक के बाद एक, एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक, थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद, समय के बाद में हमने ओम का जप किया, ये जप हुआ। लेकिन है तो केवल एक ही शब्द ओम ओम ओम, एक ही है, भिन्न नहीं है। तो जब मानो एक डॉटेड लाइन, एक बिंद बिंद बूंद बूंद की बनी हुई एक रेखा है, उस रेखा में टूटी हुई रेखा को बोलेंगे जब, ठीक है। तो अब जब उसको लाइन को पूरा मिला दो, बिना टूटी हुई लाइन हो गई, वो हुआ ध्यान। मतलब यह है कि जब लीड्स टू मेडिटेशन,
जप जो है उससे आगे बढ़ने पर मेडिटेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? पतंजलि बोलते हैं अर्थ भावनम, ओंकार का जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो, तब नहीं तो हम मुंह से जब ओम 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 करते रहेंगे और मन हमारा इधर उधर घूमता रहेगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं तद जपह तद अर्थ भावना। अब अर्थ ओम का क्या है? ईश्वर। ईश्वर यानी क्या? तो एक आदमी के लिए चतुर्भुज विष्णु ईश्वर है, दूसरे के लिए श्री कृष्ण ईश्वर है, ठीक। लेकिन पतंजलि के अनुसार ईश्वर की तीन परिभाषा पतंजलि देते। पहले के अनुसार क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वो क्या है? एक विशेष प्रकार का पुरुष है। अब पुरुष की व्याख्या में विस्तार में ज्यादा नहीं, आप जो भी समझ लीजिए, हम लोग जैसे पुरुष हैं उस प्रकार एक पुरुष, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वह कर्म, हम लोगों क्या है, हम कर्म के चक्कर में फंसे हुए, हम कर्म के द्वारा प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं, कर्म हमको पूर्ण जमा, कर्म के कारण हम लोग अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, कुछ भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इस कर्म का एक फल होता है विपाक। हमने अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया उसका एक फल होगा विपाक, पक जाएगा, जैसे बोलते हैं ना फल पक जाएगा, विपाक पक। और आशय, वो जो फल है वो कहीं ना कहीं संचित रहेंगे। तो हम लोग कर्म, संचित कर्म और उसके फल, इन तीनों से बंधे हुए, लेकिन यह जो ईश्वर है यह उससे अपरामृष्ट, कर्म के बंधन में नहीं पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु अपने कर्म के बंधन से ऊपर है, वह संसार के समस्त प्राणियों के कर्मों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्वयं अपने कर्मों से उनके कोई अलग से कर्म। तो ईश्वर इस प्रकार का एक है। तो जब भगवान ओम का आप जप करें, तब ऐसे पुरुष का ध्यान करें जो सब इन बंधनों से, कर्म और कर्म के फल और संस्कार इत्यादि के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं भी मुक्त हूं, उनकी कृपा से मैं भी मुक्त हो जाऊं। यह हुआ प्रणव का ध्यान, एक ध्यान। दूसरा ध्यान है स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा, वही पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, वो गुरु है, पूर्व के भी गुरुओं के गुरु, काल के परे उनको कोई जन्म नहीं दिया। पूर्वेशाम अपि गुरु, हमारे पहले जितने गुरु हैं वो पूरे पहले के गुरुओं के भी गुरु, पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात, क्योंकि वो काल से बंधे हुए नहीं। तब भावना करेंगे, अर्थ भावना है ना, ओम का ध्यान करेंगे और परम गुरु का ध्यान करेंगे जो काल से परे हैं, उनका चिंतन करके हम भी काल के परे हो जाएं, ऐसा चिंतन। और तीसरी परिभाषा है गुरु की, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम, उसको संक्षेप में समझ लीजिए, वह है सर्वज्ञ, उनमें ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। और जब हम ध्यान करेंगे ऐसे परमात्मा का, ओम का जप किया और उनका ध्यान किया जो ज्ञान के समुद्र है, ज्ञान के सागर,
हम भी चाहेंगे कि हमारा ज्ञान भी वैसा हो जाए, ये भावनम। अब इनको ध्यान करने की पद्धति जो है उसमें सच पूछा जाए, पहले इस चीज को अच्छी तरह बार 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 पढ़ के उसको विचार करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके यह भाव मन में दृढ़ कर लेना चाहिए कि क्या भाव है, और उसके बाद में जब एक बार ओम का जप किया तो वह भाव हमारे मन में आना चाहिए। अच्छा, इसका दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान की तीन लेवल्स हैं, तीन श्रेणियां हैं, तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था में हम रूप ध्यान करते हैं। ये सब आपके लिए समझ में आ गया, आसान है। ये श्री राम कृष्ण का चित्र है जो आपका इष्ट है, आंख बंद करके श्री राम कृष्ण के चित्र को अपने सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे इष्ट का जो चित्र है उसको हम अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करते हैं और मनी मन श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण और नमो भगवते राम कृष्णाय राम कृष्णाय ये जप करते हैं, और राम कृष्ण का रूप या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय। जो नमः शिवाय जब आपने मंत्र का जप किया उसके साथ भावना किया किया शिव जी हमारे सामने हैं, शिव जी का रूप। ये एक वक्त। इसके साथ दूसरी स्टेज क्या हुई? दूसरी स्टेज हुई गुण ध्यान। पहला हुआ रूप ध्यान, उसके बाद गुण। अच्छा, गुण जानने के लिए आपको शिव जी के गुण जानना तो पड़ेगा। एक बच्चा नहीं जानता, वो बच्चा शिव जी को बोल दिया बेटा उसका ध्यान कर, तो शिव जी का ध्यान करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जानेगा कि शिव जी कितने करुणामय हैं, कितने अच्छे हैं, उन्होंने जहर को खा लिया, उन्होंने कितने असुरों को नाश कर दिया, भोलानाथ हैं। तो वो उसके मन में शिव जी के प्रति अच्छी भावना होगी, मैं शिव जी का ध्यान करूंगा, वो मेरे को टॉफी दे। मंदिर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाता है और जब निकलता है तो उसको थोड़ा सा प्रसाद मिलता है। तो उसके मन में भावना हुई, कुछ अच्छी भावना हुई। हम लोग बड़े हैं, समझदार हैं, शिव जी के गुणों को बहुत सारे वर्णन आपको सब स्तुति होती है उसमें शिव जी के गुणों का वर्णन है, श्री राम कृष्ण के गुणों का वर्णन है, भगवान राम के गुणों का वर्णन है। ये हुए गुण ध्यान। तो ये गुण ध्यान बिना उनकी जीवनी, उनकी घटनाएं, लीला चिंतन के बिना गुण को हम नहीं समझ सकते। तो दूसरी स्टेज होती है लीला चिंतन के द्वारा गुणों का गुणों को मन में लाना। अब जब दूसरा स्टेज का ध्यान करेंगे तब क्या होगा? बैठकर हमने भगवान ओम नमः शिवाय ये किया और हमारे हृदय मन के सामने शिव जी का रूप आवे न आवे, लेकिन एक करुणामय, आनंदमय, पूर्ण निर्विकार भावना आ जाती। ये हुआ शिव शब्द की भावना। पॉइंट इज क्लियर? ये हुई शिव शब्द की भावना। अब तीसरी स्टेज होती है स्वरूप ध्यान। उसमें शिव जी का रूप हमने प्रारंभ किया था, वो तो लुप्त हो गया, भावनाएं विद्यमान हैं, उसके साथ शिव जी की सत्ता विद्यमान, चैतन्य सत्ता विद्यमान। यह हुआ स्वरूप ध्यान। तो जब अर्थ भावनम की बात पतंजलि कहते हैं तब वह पहले वाले रूप ध्यान की बात नहीं कह रहे, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो तीन परिभाषा ईश्वर की दी है उस तीन परिभाषा में कहीं भी रूप का वर्णन नहीं। वहां पे कर्म इत्यादि से विशुद्धि का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, गुरु का वर्णन। इनकी भावना करना है, यानी जब प्रणव का उच्चारण करें तो हमारे मन में एक विशेष प्रकार की
कहना चाहिए, इमोशनल एक भावनात्मक एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अब पता नहीं मैं आपको, जो लोग ध्यान करते होंगे उनके लिए समझना आसान होगा, अन्यथा थोड़ा सा कठिन होगा। यहाँ पर इतना वर्णन, इसके आगे मैं इसको मैं तो पूरा नहीं तो पतंजलि योग सूत्र को रिपीट करना पड़ेगा, वो नहीं करता। तद अर्थ भावनम, ये हुआ पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ध्यान, यानी जप के साथ अर्थ भावनम या प्रणव उपासना। ये जो ध्यान की बात है, प्रणव के ध्यान की बात हो रही। दूसरी प्रक्रिया है उपनिषदों की। उपनिषद में एक मांडुक्य उपनिषद है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, केवल 12 मंत्र हैं, सबसे छोटा समझ लीजिए। ईशावासी उपनिषद में 18 मंत्र हैं, मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं, और उसका प्रारंभ ही होता है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म तस्य उपव्याख्यानम भूतं भवत् भविष्यत्य सर्वं ओंकार एव। इस 12 मंत्रों में केवल ओंकार का ही वर्णन है। फिर कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। उसके बाद में कहते हैं कि यह जो आत्मा है, चैतन्य कॉन्शियसनेस, हम सभी में विद्यमान कॉन्शियसनेस चैतन्य जो है, ये जिसके चार पाद हैं, ये जो चार आपके ये है ना, एक कुर्सी के चार पैर, चार एस्पेक्ट्स, चार फोर पार्ट्स, ये कौन कौन से पार्ट हैं? ये चैतन्य आत्मा का पहला पाद है जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पाद। अब घबराइए नहीं, मैं इन शब्दों से, हम जागृत अवस्था में अभी हम जगे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सारे स्थूल जगत का हम दर्शन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से सबका अनुभव कर रहे हैं जागृत अवस्था में। कौन कर रहा है? आत्मा। या इसको बोलते हैं वैश्वानर। जिस चैतन्य को मैं बोलता हूं मेरे भीतर चैतन्य है, आत्मा है, ये जो है, ये मैंने जागृत अवस्था की बात कही, तब मैं वैश्वानर का वर्णन कर, मतलब ये कि जागृत अवस्था में जो 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 चैतन्य आत्मा सारे जगत का भोग करता है, सुख लेता है, आनंद अनुभव इत्यादि सब करता है, वह आत्मा प्रथम पाद। फिर कहते हैं स्वप्न स्थान दूसरे में, सूक्ष्म भूख एकोनविंशति मुखः तैजसः द्वितीयः पादः। हम सो गए, सोने के बाद स्वप्न देखा, देखते हैं कि नहीं स्वप्न, खूब मस्ती से स्वप्न देखा, आनंद आया, या फिर भयानक सपना था, अच्छा था, स्वप्न था, उठ के कहते हैं कि अरे हमने यहाँ देखा था, हम वहाँ गए थे, बंबई गए थे, ये कहते उस महाराज आपको भी देखा था, फिर आप कुछ बोल रहे थे, हम भूल गए क्या बोले थे, ये किसने अनुभव किया?
जिसने अनुभव किया वो मैं हूं, तो आपने किया ना आत्मा, वो आत्मा उसका नाम है तेजस। और फिर सो गए, गहरी नींद आ गई। तत्र न किंचन कामम कामयते न दृश्यम पश्यति, वहां पर कुछ नहीं देखते, आनंद भुक, लेकिन आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद का अनुभव भी तो किसने किया, तुमने किया तो आत्मा ने किया। उसका नाम बना दिया उन्होंने प्राज्ञ। अच्छा, ये जो तेजस, प्राज्ञ और वैश्वानर, ये तीन भिन्न है क्या? आप ही तो हो, आप जग कर कहते हो मैं बड़ा बढ़िया देख रहा हूं, मैं जब सोया था तो मैंने सपने देखा था और जब गहरी नींद आ गई तब मैं कुछ नहीं जानता था, बड़ा आनंद का अनुभव किया। एक मैंने ही तो ये तीनों अनुभव किए। लेकिन विचार की दृष्टि से याद रखिए, ये भारतीय दर्शन की, चिंतन की विशेषता है कि उन्होंने तीनों अवस्थाओं का अनुभव किया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान और पाश्चात्य फिलॉसफी दर्शन केवल जागृत अवस्था का एनालिसिस करता है, अनुभव करता है, लेकिन स्वप्न और निद्रा का अनुमान नहीं करता। एक ही आत्मा के हमने ये तीन रूप बना दिए, तीन पाद बना दिए, तीन पार्ट्स बना दिए, तीन एस्पेक्ट, और फिर एक चौथा कहते हैं तृतीय। अस्पर्शम, अग्राह्यम, अश्रोत्रम, अक्षोत्रवर्णी इत्यादि इत्यादि, एक चौथा भी है जो इन सबसे परे भी है, हमारी आत्मा का ही एक रूप। और कहते हैं कि यह ओंकार जो है इन सब का प्रतीक, जो चैतन्य जागृत अवस्था में स्थित है, जो चैतन्य स्वप्न का अनुभव करता है, जो निद्रा में अनुभव करता है, जो तुरीय स्थिति में है, इन सब का प्रतीक ओम है, चैतन्य का, आत्मा का। इज इट बिकमिंग टू डिफिकल्ट? है, थोड़ा तो डिफिकल्ट है। अब कहते हैं जो ओंकार का जो ओम जो है ना, उसके तीन पार्ट हैं, अ उ म। जो अ है वो तो जागृत अवस्था का जो आत्मा है उसका नाम है, उ जो है वह स्वप्न की अवस्था का जो आत्मा है उसका नाम है, और म जो है वह सुषुप्ति अवस्था का जो आत्मा है उसका नाम है। और जो ओम अमात्र जो है वह तुरीय का प्रतीक है, सिंबल। तो उपनिषद के अनुसार आत्मा का, या ये कहते हैं उसके ओंकार के, ये चार पक्ष हुए, चार पार्ट्स हुए। अब जब कहते हैं कि आत्मा का ओंकार का ध्यान करो, कैसे भी कर सकते हो, एक तो यह है कि आत्मा की आपकी जो धारणा हो ओम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए उसका, और ओम का ध्यान जब करेंगे तो उस चैतन्य का ध्यान कीजिए जो आप समझते हो। हम याद रखिए, हम लोग नॉर्मली चैतन्य से जागृत अवस्था का जो चैतन्य है ना वही लेते हैं। हम लोग स्वप्नावस्था और निद्रावस्था को ज्यादा समझते नहीं है, हम लोगों का ध्यान केवल अ का ध्यान होता है, ठीक है। तो हम लोग कहा गया कि परमात्मा पर ध्यान करो, तो परमात्मा का ध्यान क्या है? कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में व्याप्त जो परमात्मा का ध्यान करो, अंतर बहिष्ठ सर्वम, या फिर बाहर जो है सर्वत्र भगवान परमात्मा व्याप्त है। जब हम परमात्मा का व्याप्त ध्यान करते तब क्या होता है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो स्थूल जगत, बाह्य जगत है, जागृत अवस्था में जो दिख रहा है जगत, उसमें जो अंदर बाहर व्याप्त है परमात्मा, उसका ध्यान। तो ये क्या है, ये जागृत अवस्था में स्थूल जगत में विद्यमान परमात्मा का ध्यान हुआ।
ये केवल विश्वानर का ध्यान। हम लोग सूक्ष्म जगत में विद्यमान परमात्मा का ध्यान नहीं करते, हम समझ भी नहीं पाते। हमारे मन का भी एक अधिष्ठान है, मन के भीतर भी एक चैतन्य विद्यमान है। जिस प्रकार से स्वप्नावस्था में हम मन ही मन सब कुछ देखते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मन के पीछे जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वह है तेजस। उसका हम ध्यान नहीं करते। और जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, मन भी नहीं रहता, कारण शरीर वहां पर रहता है, अज्ञान रहता है, उसके उसका भी हम ध्यान नहीं करते। हम कभी नहीं है नौ सोक्ति कर ही नहीं सकते सच कुछ। जो हो, मैं कहना यह चाहता था कि यह है ध्यान की प्रक्रिया उपनिषद के अनुसार। क्या? अ का ध्यान कीजिए। अ यानी वह चैतन्य आत्मा जो मुझ में विद्यमान है, जो जागृत अवस्था में सबका देखती है और जो बाह्य जागृत जगत में भी विद्यमान है, वो हुई जागृत अवस्था में जिसको वैश्वानर बोलते हैं इत्यादि, उसका ध्यान। अब यहां पर एक और शब्द का उपयोग किया गया है, निर्मथन। मथन, मथनी, जोर से मथना पड़ेगा। तो याद रखिए, आप मत समझिए कि ध्यान इतना आसान है। हम लोग बैठ के बड़ा अच्छा ध्यान किया। कई बार क्या होता है, बच्चों को अगर पांच स्कूल में जाओ तो बच्चों को योगासन सिखाएंगे तो चलिए बैठिए, आजकल ध्यान करते ना योगासन में, ध्यान बैठ गए बिना हिले डुले, आंख बंद करके 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे बस। फिर घर पे आके बच्चा कहता, मम्मी आज हम लोगों ने ध्यान किया था। तो एक तो शरीर को सीधे बिना हिले डुले रखना, ये एक प्रकार का एक ही चीज ध्यान हो गया, ये कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग ध्यान में बैठते ना, यहाँ पे सुबह शाम बैठते हैं, तो हम में से हम लोग कई बार सो जाते हैं। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे, बैठे हुए हैं, मन इधर उधर घूम रहा है, ध्यान कर रहे हैं, या झपकी आ रही है, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान इज ए वेरी वेरी इंटेंस प्रोसेस, बहुत ही कठिन, बहुत तीव्र एक प्रक्रिया है जो हमारे सारे मन को मथ देती है। और यतीश्वरानंद जी कहते थे, कुछ लोग आके कहते हैं कि महाराज हमारा ध्यान नहीं होता, तो श्री राम कृष्ण कहते, यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि अच्छा है तुम्हारा ध्यान नहीं, पहले मन को शुद्ध करो बाबा। अशुद्धि के बाद साथ अगर आप ध्यान करेंगे तो जितना कचरा अशुद्धि पड़ी हुई है वो निकल आएगी, आप और पाप की वृत्ति, खराब वृद्धि वृत्ति सब बाहर निकल आएगी। अरे पहले चित्त शुद्धि करो, उसके बाद जब ध्यान करते हैं तो ध्यान मन रूपी सरोवर जो है वो मथ जाता है, और उधर नीचे बहुत सारा गंदा कीचड़ बैठा हुआ है, पता नहीं था। ऊपर तो पानी साफ दिखता था, हम तो अच्छे दिखते थे, लेकिन ये क्या हुआ, जब ध्यान किया तो बाप रे इतनी गंदे विचार, इतनी सब आते हैं, हमारी बुरी प्रवृत्तियां जो हैं बहुत बढ़ जाती। ये ध्यान निर्मथन, ये एक ध्यान इज नॉट एक सामान्य पैसिव मेथड नहीं है ये, जैसे कहते हैं ना ढीला ढाला बैठे हैं ध्यान। ध्यान जो है बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन टेक्निक है, इतना आसानी नहीं, इसलिए हम लोग बताते नहीं हैं। गाइडेड मेडिटेशन कुछ दिन करवाया, उसके बाद में लोग बोलते हैं, मैंने कहा छोड़ो, हम जानते हैं इतना कितना कठिन है ध्यान। तो ध्यान निर्मथने न अभ्यास, और उसके बाद उस मथन का रोज रोज अभ्यास करो, अंदर का कचरा पूरी तरह साफ करो, तब उसके बाद में भीतर जो आत्मा, निगूढ़ आत्मा, वो दिखाई दे। आज यही हम समाप्त करते हैं, आज एकादशी है तो आरती होगी इमीजिएटली, उसके इसलिए 5 मिनट आगे, पहले 10 मिनट आगे आरती शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में फिर राम नाम संकीर्तन है, इसलिए
तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको और लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा सुझाव है कि आप लोग अगर इस पुस्तक को देख लेवें, जिन लोगों ने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है उनमें वो तस् ईश्वर प्रणिधानवाद, प्रथम चैप्टर में ईश्वर प्रणिधानवाद, उसके बाद में है ईश्वर का वर्णन, तीन सूत्र, तस्य वाचक प्रणव तजप तदर्थ भावनम, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।